नमस्कार, आप लोग को मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज आप लोग को माइक्रोमीटर के बारे में बताएंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं माइक्रोमीटर के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा आप लोग। तो कर रहे हैं तो आप लोग वीडियो को देखिए, ध्यान से देखिए और गौर से देखिए, समझिए। जहाँ कोई दिक्कत हो या कोई समझने में आपको परेशानी हो तो आप लोग कमेंट करके उस टॉपिक को बता सकते हैं, उसका मैं जवाब दूंगा। चलिए वीडियो शुरू करता हूँ। माइक्रोमीटर क्या है? माइक्रोमीटर क्या है? यह एक सूक्ष्म मापी यंत्र है, यानी सबसे छोटा से छोटा जो चीज को मापते हैं उसी को मापने वाला एक मेजरिंग टूल्स है। ये जो माइक्रोमीटर आते हैं मेजरिंग टूल्स के अंतर्गत आते हैं। तो इसका क्या काम है? यह सूक्ष्म मापी यंत्र है, छोटा से छोटा माप को ही माप सकता है। इसके द्वारा किसी जब को मीट्रिक प्रणाली में 0.0 mm तथा ब्रिटिश प्रणाली में 0.001 इंच या उससे अधिक सूक्ष्म मापा जा सकता है, यानी कि इससे छोटा भी मापा जा सकता है। माइक्रोमीटर स्क्रू थ्रेड की लीड पिच के सिद्धांत पर माइक्रोमीटर द्वारा मापी जाने वाली न्यूनतम तथा अधिकतम माप को माइक्रोमीटर की रेंज कहते हैं। माइक्रोमीटर के द्वारा जो भी दूरी को मापते हैं कोई भी जॉब के, जैसे आपका ही जॉब है, इसको यहाँ से यहाँ जो हम मापेंगे इसको माइक्रोमीटर की रेंज कहेंगे। यानी कि ये मेरा इतना से इतना रेंज वाला माइक्रोमीटर है जिससे कि हम इसको नापे। मार्केट में विभिन्न रेंज के माइक्रोमीटर आते हैं, जिसको मैं यहाँ विभिन्न रेंज के माइक्रोमीटर आते हैं। ये मार्केट में बहुत प्रकार के रेंज के माइक्रोमीटर आपको मिल जाएंगे। तो माइक्रोमीटर क्या है? यह एक सूक्ष्म मापी यंत्र है। इसके द्वारा किसी जॉब को मीट्रिक प्रणाली में 0.0 mm तथा ब्रिटिश प्रणाली में 0.00 इंच या उससे अधिक सूक्ष्म को मापा जा सकता है। माइक्रोमीटर जो है स्क्रू थ्रेड की लीड पिच के सिद्धांत पे बनाया गया है। और माइक्रोमीटर द्वारा जो भी चीज को मापते हैं वो जो मापी माप करने वाला दूरी जो होता है उसको हम रेंज कहते हैं। माइक्रोमीटर का जो रेंज होता है यहाँ से यहाँ जो मापते हैं उसको हम रेंज कहते हैं, माइक्रोमीटर का रेंज। तो विभिन्न प्रकार के रेंज के माइक्रोमीटर आते हैं। तो फिर आपको माइक्रोमीटर के डायग्राम के बारे में बता रहा हूँ, डायग्राम बना के आपको बता रहा हूँ उसके पार्ट्स का नाम। तो ये जो भाग होते हैं इसको मेजरिंग सरफेस कहते हैं, इसको एनविल कहते हैं, ये फ्रेम हुआ आपका, ये आपका फ्रेम हुआ, ये आपका स्पैंडल हुआ, ये लॉक नॉट हुआ, ये स्लिप हुआ, ये थिम्बल हुआ आपका, ये जो है थिम्बल हो गया, ये रिचेट स्टाफ। तो समझ गए ये पूरे पार्ट्स के, इसके बारे में भी मैं बता रहा हूँ। देखिए ये लेके आपको मैं बता रहा हूँ इसमें क्या सब है। आपका जो ये जो है ये आपका फ्रेम हो गया, ये फ्रेम हो गया, इसको जो बोलते हैं ये आपका फ्रेम हो गया, ये आपका एनविल हो गया, ये वाला भाग आपका एनविल हो गया। फिर आपका ये स्पैंडल हो गया, ये वाला भाग आपका स्पैंडल हो गया। उसके बाद आपका लॉक नट, देखिए इसी को हम लॉक नट कहते हैं, ये जो है ये लॉक नट है। उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पे स्लीव, आपका ये स्लीव हुआ, ये जिसे मापते हैं। उसके बाद आप आ जाइए थिम्बल, आपका ये थिम्बल हुआ, ये स्लीव हुआ, ये थिम्बल हुआ। उसके बाद ये रिचेट स्टॉप, ये हुआ, इससे जो हम घुमाते हैं इसको, उसके बाद इधर से लॉक करते हैं, उसी वही हुआ। तो ये आपका पूरा डायग्राम का था। ये माइक्रोमीटर है, देख लीजिए इसी प्रकार का माइक्रोमीटर होता है। माइक्रोमीटर बहुत सारे प्रकार के होते हैं, इनसाइड माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर, और भी बहुत सारे प्रकार के आते हैं, उस प्रकार के बारे में मैं बताऊंगा आप लोग। तो आप लोग को आज इस वीडियो में इतना ही। तो आप लोग माइक्रोमीटर देख लीजिए, माइक्रोमीटर इसी प्रकार के होते हैं, ये मार्केट में आते हैं विभिन्न प्रकार के, इनसाइड आउटसाइड स्क्रू टाइप, ये सारे माइक्रोमीटर आते हैं। तो इसको मापने के लिए हम जान गए, इससे जितना से छोटा हो सूक्ष्म उसको हम मापते हैं। ये मेजरिंग टूल्स है, इसके बारे में बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आर पूछे जाते हैं,
तो आप लोग माइक्रोमीटर देख लीजिए इस प्रकार के होते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।